हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सभी आजकल बड़ी सिटीज में रहते हैं और फ्लैट्स में रहते हैं, तो हमारे पास इतनी जगह पॉसिबल नहीं होती है कि हम वहाँ पर एक अच्छा गार्डन बना सके। तो उसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर कर रहा हूँ जिससे कि आप आपकी बालकनी में ही बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं और उन्हें भी बहुत सुंदर तरीके से। तो वो एक चीज है हैंगिंग गार्डनिंग। तो हैंगिंग गार्डनिंग में हमारे पास कुछ इस तरीके की हैंगिंग बास्केट्स मिलती है। ये आपको मार्केट में तीन टाइप की मिलेगी। एक ये जो फाइबर की बनी हुई बास्केट्स होती है जो कि कलर बहुत ही कलरफुल होती है और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलती है। एक हमें कोको फाइबर की बास्केट मिलती है और एक हमें मिलती है सिरामिक की बास्केट। तो हमें ये तीन टाइप की बास्केट्स मिलती है मार्केट में और इनमें जो लगाने के वाले प्लांट्स होते हैं वो भी बहुत डिफरेंट होते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें इसे लगाना कैसे है। तो इसे लगाने का तरीका सिंपल है। अगर हमारी बालकनी में ऐसे हुक्स लगे हुए हो छत पे तो हम उसके अंदर सिंपली उसको हैंग कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास ऐसे हुक्स नहीं है तो उसकी भी एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जो रॉड आती है जिनमें हम पर्दे वगैरह लगाते हैं या फिर ऐसी सिंपल रॉड, तो आप एक ऐसी रॉड लीजिए और जो अपनी बालकनी होती है उसके एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक उस रॉड को बांध दीजिए और फिर उसके बाद में उनको अनइवन तरीके से, मतलब कुछ ऊपर कुछ नीचे तरीके से, अपनी जो हैंगिंग बास्केट से उनको हैंग कर दीजिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो अब चलिए इसी मेथड पर हम आगे बात करते हैं कि हमें कैसे हैंगिंग बास्केट तैयार करनी है, इसके लिए कैसे सॉइल प्रिपेयर करनी है और इसके अंदर कैसे प्लांट्स लगाने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू। अब हमने बास्केट देख ली है कि हमें कैसी बास्केट मिलती है मार्केट में हैंगिंग के लिए। अब हम इसके सॉइल मिक्सचर की बात कर लेते हैं कि हमें इसके लिए कैसा सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली हमें इसके लिए जो रेगुलर सॉइल मिक्सचर है वो प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर हम रेगुलर सॉइल मिक्सचर इसमें यूज करते हैं तो हमारी जो बास्केट्स है वो बहुत हैवी हो जाती है। तो उसके लिए जो हम सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं वो मैं अभी आपको शो करता हूँ। उसके लिए जो हमें सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करना है उसमें हमें मिट्टी के कंपेरिजन में जो कोकोपीट है वो ज्यादा लेनी है, क्योंकि जो सॉइल मिक्सचर है वो हमारा बहुत हैवी हो जाता है उसकी वजह से। तो जो हमारी बालकनी होती है उसमें जो हम जिस भी चीज पर हम हैंग करते हैं उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, तो हमें उसमें जो हमारी हैंगिंग बास्केट है उन्हें थोड़ा लाइट बनाने के लिए ऐसा सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 60% कोकोपीट, 20% मिट्टी और 20% खाद ली है, जो कि इसके लिए अच्छा सॉइल मिक्सचर है। और अगर आप इससे भी लाइट वेट सॉइल मिक्सचर बनाना चाहते हो तो जो मार्केट है उसमें हैंगिंग बास्केट्स के लिए अलग से सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर मिलता है जिसके अंदर परलाइट मिला हुआ होता है। अगर जो मोस्टली छोटी सिटीज है या फिर कुछ ऐसी जगह है वहां पर वो अवेलेबल नहीं होता है, तो मोस्टली मैं जिस नर्सरी में जाता हूँ वहां पर वो अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैं ये तैयार करके आपको दिखा रहा हूँ। और ये इसलिए है क्योंकि ज्यादातर वो नहीं मिलता है, इजिली अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए जो ये सॉइल मिक्सचर है वो मैं इजिली बता रहा हूँ जिससे हर आदमी इसको प्रिपेयर कर सके। तो ये हमारा सॉइल मिक्सचर है जिसमें इन तीनों चीजों को हमें मिक्स कर लेना है। तो हमें जो कोकोपीट है, मिट्टी है और जो हमारा खाद है उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उसके बाद में हम प्लांट देखेंगे किसके अंदर हम कौन कौन से प्लांट लगा सकते हैं। तो मोस्टली जो हैंगिंग बास्केट हमारी होती है उनके अंदर हमें ऐसे प्लांट्स लगाने हैं जो थोड़े लटकते हुए बढ़े, उससे जो उनकी खूबसूरती है वो और भी ज्यादा निखर के आती है। तो जो हमारा सॉइल मिक्सचर है वो प्रिपेयर हो चुका है। अब हम प्लांट्स की बात कर लेते हैं कि इसके लिए हमें कैसे प्लांट्स लेने हैं। मोस्टली जो हैंगिंग बास्केट में लगाए जाने वाले प्लांट है उनके अंदर हमारा फर्स्ट प्लांट है मनी प्लांट, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होता है और उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो इसकी जो ऐसी लटकती हुई बेले है वो उस हैंगिंग बास्केट के अंदर से लटकती हुई बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसको एक स्टैंड के ऊपर रख रखा है तो आप देख सकते हैं कि जो इसमें से लटकी हुई इसकी जो बेलें हैं वो कितनी अच्छी लग रही है। और जो नेक्स्ट हमारा जो प्लांट है वो है ये खूबसूरत पर्पल हार्ट, जिसका वीडियो की मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था और आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रो हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे लटकता हुआ ये भी कितना खूबसूरत लगता है। अगर हम इसे ऐसे हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो ऐसे लटकता हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इंडोर और आउटडोर दोनों में ही बहुत अच्छे से चल जाते हैं। और इसके अंदर
ऐसे छोटे छोटे बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर के फ्लावर्स भी खिलते हैं जो कि इसको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। मैंने इसकी केयर का वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा प्लांट है वो है ये एस्पेरेगस, जो कि कुछ थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर ग्रो करता है, फिर उसके बाद में 1 से 1.5 फुट तक ऐसे नीचे लटकता हुआ ग्रो करता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जो ये जो हमारे तीनों प्लांट्स है इनका जो प्रोपगेशन है वो भी बहुत इजी होता है। जो मनी प्लांट होता है उसमें ऐसे जो भी नोड होते हैं उनके पीछे से ऐसे रूट्स निकली हुई होती है, तो बस हमें इसको नोड के ऊपर से कट करना है और उसमें गाड़ देना है, जिस भी प्लांटर में अपन लगा रहे हैं तो ये ग्रो हो जाता है। तो सेम मेथड पर्पल हार्ट का भी होता है, इसमें जो नोड होता है बस हमें वहां से इसको तोड़ना है और सोइल मिक्सचर जो हमारा है उसके अंदर हमें लगा देना है, तो इसमें बहुत इजीली रूट डेवलप हो जाती है और ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। और जो हमारा एस्पेरेगस है इसमें जब ये बड़ा हो जाता है काफी, तो बाद में हम इसका रूट डिवीजन होता है, तो हम इसको रूट डिवीजन करके भी डिवाइड कर सकते हैं, तो इनका डिवीजन भी बहुत इजी है। तो अब जो हमारी बास्केट है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जो बास्केट है उसके साथ हमें ऐसी चेन मिलती है मार्केट में जिसे हमें लगानी होती है, तो ये ऐसी चेन मिलती है इसके साथ में जिसकी हेल्प से हम इसको हैंग कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसे होल्स बने हुए होते हैं इसके अंदर जिनके अंदर हम इसे लगा के और इजीली हैंग कर सकते हैं, तो अभी हम इसे लगा लेते हैं। तो जो चेन है वो हमने लगा ली है, अब हम इसके अंदर सॉइल मिक्सचर भरते हैं जो हमने प्रिपेयर किया था। तो हमारा जो प्रिपेयर किया हुआ सॉइल मिक्सचर है वो हम इस बास्केट के अंदर भरते हैं। तो फर्स्ट हमें आधी हमारी बास्केट को भर लेनी है, उसके बाद में जो प्लांट हम लगाने वाले हैं उसको हमें इसमें लगाना है। तो मैं इस तरीके से इसके अंदर आज लगाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसे ग्रोइंग बैग से बाहर निकाल लेते हैं। हमारा प्लांट है वो हमने बाहर निकाल लिया है। तो जो हमारा प्लांट है उसे हमने ग्रोइंग बैग से बाहर निकाल लिया है। अब जो हमने सॉइल मिक्सचर इसमें भरा था आप उसके अंदर हम एक बार पानी डाल लेते हैं जिससे कि जो हमारी सॉइल है वो एक बार अच्छे से गीली हो जाएगी नीचे तक की। अब उसके बाद में जो हमारा प्लांट है इसको हमें थोड़ा सा इसमें होल बना के उसके अंदर ऐसे सीधा स्टेबल रख देना है और इसके अंदर साइड में हम और सॉइल मिक्सचर भर देंगे। तो हमें इसमें अच्छे से दबा दबा के मिट्टी भर लेनी है एक बार। तो बस हमें मिट्टी को थोड़ा प्रेस करना है जिससे इसमें अच्छे से मिट्टी भरवाई आ जाए। तो हमने जो मिट्टी है वो इसमें डाल ली है, इसके अंदर और वाटर। हमें इसमें फर्स्ट टाइम अच्छे से पानी डालना है। हमारी हैंगिंग बास्केट है वो प्रिपेयर हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इसे बनाना कितना इजी है। तो बस ऐसे ही हम कम स्पेस में भी ज्यादा प्लांट लगा सकते हैं हैंगिंग गार्डनिंग के थ्रू, और ये लगता भी बहुत सुंदर है। जब आप इसे हैंग करोगे अपने गार्डन में तो ये एक अलग ही लुक देगा, आप देख सकते हो। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिसे आप साथ ही साथ आपके दोस्त हैं वो भी कम स्पेस में ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। और आगे मैं आपके लिए हैंगिंग DIY हैंगिंग बास्केट्स के वीडियोस भी लाने वाला हूँ, तो उन्हें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू।